आज हम सीख रहे हैं मतलब टाइम फंक्शंस के बारे में ना, कि मतलब टाइम से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने फंक्शंस हैं और उनको मोस्टली हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। टाइम टाइम फंक्शंस एक्सेल, ठीक है। तो हमारे पास मैंने कुछ फंक्शंस के नाम लिख भी रखे हैं जी, ये जो आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे, इसमें टाइम और मिनट सेकेंड्स ही कुछ फंक्शंस हैं। और टाइम हम दो तरह से एक्सेल में मतलब हम एंटर कर सकते हैं। एक तो है स्टैटिक टाइम, मतलब ऐसा टाइम जो आप आज लिखेंगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। अब टाइम की अगर हम बात करें तो भाई जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, सपोज अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:07 हो रहे हैं, तो मैंने लिखा 5, ये तो हो गया आर, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाया, ठीक है, शिफ्ट के साथ कॉलन, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 07, यानी कि 5:07 हो गए। अब आपको 6 सेकेंड्स देने हैं तो फिर कॉलन लगाया, और फिर उसके बाद आपने इसको अगले दिए मिसाल के तौर पे 15 सेकेंड, तो ये आपने एक टाइम नोट कर लिया। अब इस टाइम का क्या है, अगर आप इस टाइम को 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बाद भी देखेंगे, और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भी देखेंगे, ये टाइम तो एज इट इज आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया स्टैटिक टाइम। बट अगर हम डायनामिक टाइम की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, और उसका फंक्शन का नाम है नाउ, ठीक है। क्या नाम है उस फंक्शन का? ये फंक्शन है नाउ। तो अब हम नाउ फंक्शन से टाइम लें तो किस तरह लें? बड़ा आसान, आप यहाँ जाए फॉर्मूला में, डेट एंड टाइम में जाए, और यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करें नाउ, और उसको क्या कर दें ओके। अच्छा, ये जिस तरह लिखा हुआ आया है आप डायरेक्टली इसे लिख भी देंगे तो भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ओके करेंगे तो ये एक बड़ी सी वैल्यू आ गई और ये लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। अभी बता रहा है 11 मंथ है, 29 डेट है, और 2017 ईयर है, 17 आर है, 8 सेकंड है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइम आया इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। मतलब हम टाइम लिखते तो मतलब लिखने का तरीका ये होगा, पहले और, फिर कॉलन, फिर मिनट्स, फिर कॉलन, फिर सेकंड्स, बट उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें तो अभी हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, तो मैं कैसे चेंज करूँगा इसके फॉर्मेट को, देखिए क्लिक किया यहाँ पर और मैं होम में गया और यहाँ से क्लिक किया, तो एक टाइम का फॉर्मेट तो मुझे यहाँ पे पहले से मिलता है जो कि ये नज़र आ रहा है, जिसमें मिनट और मिनट एंड सेकेंड्स और फिर AM और PM के इंडिकेशन मिल जाते हैं। बट अगर मैं ये फॉर्मेट यहाँ लेता हूँ तो क्या हो रहा है, AM लिखा आ रहा है। वजह वजह ये है कि जब आप 5 करके लिखते हैं तो कंप्यूटर 24 आवर के मतलब प्रोसीजर को फॉलो करता है, मतलब 1 मींस के रात का 1, और अगर आप उसको लिख रहे हैं दोपहर का 1 तो फिर आपको 13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रात का बजा तो दोपहर के 12 बजे, और उसके बाद दोबारा से 1 बजा तो वो 13 हो गया। अगर आप ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर लिखना था शाम के 5 का, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 13, 14, 15, 16 और 17। एडिट करेंगे आप इसको और यहाँ लिखेंगे आप 17, तो अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 17, 7 और 15 सेकेंड और AM, क्योंकि स्टैटिक टाइम है, ये चेंज नहीं होगा। डायनामिक टाइम अभी हमने ले तो लिया है, लेकिन वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे कैसे पता चलेगा, चले अभी देखते हैं। 17:09 हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। इसका हम अंदाजा यूं कर सकते हैं कि अगर हम फॉर्मूला में जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ का, मतलब मैन्युअली किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, मतलब एक शीट के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है बट आप उस फॉर्मूले को अपडेट करना चाह रहे हैं कि वो दोबारा से उस प्रोसीजर को फॉलो करे, तो इस बटन को आप यूज करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेट नाउ। देखिए आप क्लिक करेंगे कैलकुलेट नाउ पे, तो क्या ये वाला टाइम चेंज हो रहा है? अगर आप गौर से देखें, क्या ये वाला टाइम चेंज हो रहा है? देखिए, और क्या ये वाला टाइम चेंज हो रहा है?